हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। यह आपका संस्कृत का मॉडल पेपर नंबर 3 है। ये इसमें जिसके भाषा सेकंड, जिसने संस्कृत ली है उसके लिए ये पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन है इसमें। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, जगत शब्द विभक्ति अस्ति। जगत शब्द विभक्ति अस्ति सप्तमी, तृतीया, चतुर्थी या फिर पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? पंचमी, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, परोपकारी शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। परोपकारी शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? 5 सेकंड मिलेंगे आपको। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? आपके राइट होगा पर धन उपकार, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उपकार शब्द अव्यय अव्यय अस्ति। उपकार शब्द अव्यय है अस्ति, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके बताएंगे? उपकार शब्द में कौन सा अवयव है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उप। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, तत् नपुंसकलिंग शब्दस्य रूपम भवति। तत् नपुंसकलिंग शब्दस्य रूपम भवति, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? तस्या, तस्य है, तस्याम या फिर तस्य। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तस्य। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मत्वा शब्द का प्रत्यय है। मत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताएंगे आप? तुमुन, ल्यप, कत्वा या फिर नीन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? मत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इन प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। इन प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति, दुखी, अजा, प्रसन्नता, मनुष्यत्वम, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? पहला ऑप्शन दुखी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कोमलेश्चापी शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। कोमलेश्चापी शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा आपके बताएंगे? कोमले है धन चापी, कोमल है धन चापी, कोमले धन एश्चापी या कोमले धन चापी। तो इसमें राइट हो जाएगा आपके पहला ऑप्शन कोमले है धन चापी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सादर शब्दस्य समास विग्रह। सादर शब्दस्य समास विग्रह क्या होगा बताएंगे? आदरम सहिताम, स आदर, आदरणे, आदरेण सहितम, सादर आगमन। तो आपके कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? आपके सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आदरेण सहितम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्रस्थितो भूद इत्यत्र संधि अस्ति। प्रस्थितो भूद इत्यत्र संधि अस्ति, बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? प्रकृतिभाव संधि है, गुण संधि है, पर रूप संधि है या पूर्व रूप संधि। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? इसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कश्या शिक्षिका शिक्षाया है ज्ञानम विना छात्र है शुद्ध रूपेण भाषा ज्ञानम न प्राप्तु शक्नोति, बताएंगे कश्या है शिक्षाया है ज्ञानम विना छात्र है शुद्ध रूपेण भाषा ज्ञानम न प्राप्तु शक्नोति। गद्य शिक्षाया है, छंद शिक्षाया है, व्याकरण शिक्षाया है, ज्योतिष शिक्षा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? व्याकरण शिक्षाया है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल्यांकन संधिरस्ति। मूल्यांकन संधिरस्ति, कौन सा मूल्यांकन का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि होगी इसमें बताएंगे आप? मूल्यांकन है संधिरस्ति, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा मूल्य धन अंकन और इसमें दीर्घ संधि आएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, उपचारात्मक शिक्षणस्य संबोधे अस्ति। उपचारात्मक शिक्षणस्य संबोधे अस्ति किसके लिए है? छात्रेण, पुस्तकेन, श्यामपटेन, अध्यापकेन। तो किसके लिए है? छात्रेण, ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्रस्तावनाया है कृते प्राथमिक स्तरे उपयुक्तो विधिरस्ति। प्रस्तावनाया है कर्ते प्राथमिक स्तरे उपयुक्तो विधिरस्ति, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि या फिर काव्यांश विधि। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके कथा विधि। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बालक है नाटकम पश्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम करोति। बालक है नाटकम पश्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम करोति, क्या होगा बताएंगे? बालकेन नाटक दृश्यते, बालकेन नाटक दृश्यते, बालकेन नाटक दृश्यते, बालकेन नाटक दृश्यते, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? बालकेन नाटक है दृश्यते, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भंडारकर पद्धत्या प्रस्तुतिकर्ता कह। भंडारकर विधि किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी बताएंगे? बिल्कुल इजी आंसर है, गोपाल कृष्ण भंडारकर महोदय। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पाठ्य सहगामी क्रिया अस्ति। पाठ्य सहगामी क्रिया अस्ति, श्लोक पाठ है, वाद विवाद है, अंत्याक्षरी है, सर्वे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? सर्वे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, प्रश्न करणस्य पूर्व किम वध्यात्वैया, बताएंगे प्रश्न करणस्य पूर्व किम वध्यात्वैया,
बताएंगे। प्रश्नस्य भाषा स्पष्टा भवेत, प्रश्नेषु विविधता भवेत, प्रश्नस्य आकार है दीर्घ न भवेत, या फिर सर्वे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके, सर्वे। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हिमालयन गंगा प्रभवती इत्यस्य शुद्ध रूपम अस्ति। बताएंगे हिमालय गंगा प्रभवती, हिमालयस्य गंगा प्रभवती, हिमालय गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपके, हिमालयात गंगा प्रभवती, चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ए वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति, कंठोष्टम, दंतोष्टम, जिह्वा मूलम, या फिर कंठ तालु। तो आपके राइट हो जाएगा इसमें कंठ तालु। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मूल स्वराह कति, मूल स्वराह कति, सप्त नव पंचम अष्ट। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पंचम सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अशुद्ध वाक्यम वर्तते, अशुद्धम वाक्यम वर्तते। बताएंगे कौन सा अशुद्ध वाक्य है, यजमान है विप्राय धनम ददाति, बालक है कंदुकेन क्रीडति, गोपाल है सभायाम शोभते, जीवात मानव है श्रेष्ठा। तो कौन सा इसमें अशुद्ध है, जीवात है मानव है श्रेष्ठा। अगला क्वेश्चन है, शुद्धम वाक्यम वर्तते, बालक है धनम याचते, बालक है धना याचते, बालक है धनात याचते, या फिर बालक है धनेन याचते। शुद्ध वाक्य में है बालक है धनम याचते। अगला क्वेश्चन है, वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति, वर्णस्य उच्चारणम स्थानम अस्ति, कंठोष्टम, कंठ तालु, दंतोष्टम, ओष्टो। आपका राइट आंसर होगा दंतोष्टम। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्याकरण शिक्षणाय कह विधि अनुपयुक्तम अस्ति, व्याकरण शिक्षणाय कह विधि अनुपयुक्तम अस्ति, सूत्र विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो प्रयोगशाला विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, श्रेष्ठ परीक्षाया है गुणम अस्ति, वस्तुनिष्ठता, विविधता, विश्वसनीयता, उपयुक्त, सर्वे। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, प्रश्न पत्रे कति उद्देश्यानि भवन्ति, द्वे, त्रीणी, पंचम, चत्वारी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चत्वारी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते, संस्कृत शिक्षणे सर्वोत्तम विधि वर्तते, व्याख्यान, अनुवाद, प्रश्नोत्तर, कंठस्थीकरण विधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है कह, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है कह, वस्तुनिष्ठ है, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, निबंधात्मक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, नगणस्य चिन्ह भवति, नगणस्य चिन्ह भवति। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नगणस्य का चिन्ह कौन सा होता है, नगण का चिन्ह। बताएंगे आपका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कश्यापि विशेष्य पूर्ण ज्ञानस्य कृते शिक्षयो कयो आवश्यकता भवति, कश्यापि विशेष्य पूर्ण ज्ञानस्य कृते शिक्षणो कयो आवश्यकता भवति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा शिक्षण सूत्र है, विश्लेषण से संश्लेषण, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। या आपके टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा,